हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट ईज़। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बात करूंगी अपने इस मधुमालती प्लांट के बारे में। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग इस पर हो गई है। देखिए बरसात के बाद इस तरह से इसमें फ्लावर्स का बंच निकल कर आता है और इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। सबसे पहले जो फ्लावर है वो पिंक कलर का होता है, उसके बाद ये लाइट पिंक हो जाता है और उसके बाद उसी फ्लावर का कलर चेंज होकर वाइट हो जाता है और वाइट होने के बाद फिर वो स्पेंट हो जाता है। इसलिए तीन कलर का फ्लावर ये चेंज करता है। तो देखिए हर ब्रांच पे जो है फ्लावरिंग स्टार्ट है, हर ब्रांच पे फ्लावरिंग आ रही है। देखिए ये इसमें गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं और देखिए कुछ फ्लावर स्पेंट भी हो गए हैं। देखिए हर ब्रांच पर फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दूर दूर, और ये देखिए हर ब्रांच पे फ्लावरिंग इस पर निकल कर आ रही है। कुछ ब्रांचेस में अभी निकलेंगी। देखिए ये बिल्कुल बंच अभी तैयार होने वाला है। देखिए छोटी छोटी कलियाँ इस पर दिखाई दे रही हैं, ये कलियाँ हैं और ये भी न्यू फुटाव इसमें आ रहा है, न्यू पत्तियाँ आ रही हैं। इसके आगे बर्ड्स निकलेंगे, बिल्कुल गुच्छा निकल के आता है बर्ड्स का। देखिए इस तरह से बिल्कुल गुच्छा आता है बर्ड्स निकल कर। और देखिए ये मेरा जो है बेल वाला प्लांट है, बड़े वाला प्लांट है जिसमें जो बेल की तरह ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये मैंने देखिए 20 लीटर की बाल्टी में लगाया हुआ है। मैं इसको चाहती थी कि मैं इसको बेल की तरह ऊपर लेकर जाऊं। देखिए मैंने रस्सी के सहारे से इसको बांधा भी हुआ है, ये देखिए मैंने रस्सी के सहारे इसको बांधा है। मैं चाहती थी कि ये बेल ऊपर को बढ़े, लेकिन अभी ये छोटी है, ऊपर ग्रो नहीं की है इसको, क्योंकि मैंने इसको आगे से कट कर दिया था इसलिए ऊपर नहीं गई है। और मैं चाहती थी, मैंने इसको छत के किनारे रखा हुआ है, मैं चाह रही थी कि ये छत से नीचे को लटके, नीचे की तरफ इसकी ब्रांचेज जाएं और नीचे की तरफ लटक के ये खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है जब ये नीचे लटकता है। लेकिन एक बार इसको जो है ऊपर की तरफ चढ़ाना पड़ता है, फिर इसकी ब्रांचेज अपने आप नीचे की तरफ लटकती हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। इतना फूलों से भर जाता है कि आपको इसकी पत्तियाँ कम नज़र आती हैं और फ्लावर्स के बिल्कुल बंचेज नज़र आते हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप बेल नुमा प्लांट कोई भी लगाना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन में स्पेस है, गार्डन है, ज़मीन में आप पौधा लगा सकते हैं, तो अपने गार्डन में आप ये ट्रेलिस वाला जो प्लांट है, यानी कि जिनकी बेल बनती है, वो आप प्लांट ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास गार्डन ज़मीन का नहीं है, ज़मीन में स्पेस नहीं है, तो आप इसको इस तरह से मेरी तरह गमले में भी लगा सकते हैं, बाल्टी में भी लगा सकते हैं। मैंने तो इसको देखिए बेल वाला प्लांट लगाया क्योंकि मैं इसको बेल की तरह लगाना चाहती थी। आप इसका एक ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट भी आता है, वो भी लगा सकते हैं, जिसकी की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं और उसमें बहुत भर भर के फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग इस पर भी होती है, लेकिन इसमें जो है एक बंच खिलने के बाद तो दोबारा से इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है और दोबारा आप इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए कैसे इस पर ये आ रही है, तैये इस पे बैठ रहे हैं क्योंकि ये भी रस चूसने के लिए आते हैं फूलों का। और देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है और फ्लावर्स प्लांट्स ऐसे झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बात करेंगे इसके फर्टिलाइज़र की, इसके फ्लावरिंग के लिए हमें इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र चाहिए। देखिए मैंने इसको अभी फरवरी में फर्टिलाइज़र किए दिया था, उसके बाद मैंने इसको फर्टिलाइज़ नहीं किया, तो अभी बरसात के महीने में हम दोबारा से इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। देखिए इसमें जो है मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट लेकर आई हूँ, आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने किचन वेस्ट लिया हुआ है। और इसके बाद इसमें बोन मील के 3 चम्मच मैंने लिए हैं अपनी बाल्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी ये 20 लीटर की बाल्टी है, तो मैं इसमें 3 चम्मच बोन मील डालूंगी। बोन मील इसके लिए बहुत अच्छा है रहता है क्योंकि बहुत बंचेस में इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो फ्लावर्स को टिकाए रखने के लिए और नई फ्लावरिंग लेने के लिए बोन मील इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और काउडंग कंपोस्ट इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, काउडंग कंपोस्ट आप डालेंगे तो इसमें जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है उससे। तो ये से मुझे डर लग रहा है, इसको मुझे भगाना पड़ेगा, तो ये मैंने भगा दिया इसको थोड़ा। चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए मधुमक्खी ततैये वगैरह से थोड़ा डर तो लगता ही है। तो इसको अब हम इसमें डालेंगे, देखिए थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं इसमें। गुड़ाई करने के बाद इसमें आप देख रहे होंगे सॉइल बिल्कुल सूखी है, क्योंकि मेरा ये फुल सनलाइट में प्लांट रखा हुआ है। तो चलिए अब सनलाइट की बात आ गई है तो बात कर लेते हैं। इसको जो है आपको कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट इसको मिलनी चाहिए। मेरा फुल सन में ये प्लांट रखा हुआ है छत पर, कोई मेरे इसमें बाउंड्री वॉल नहीं है और बिल्कुल भी कोई शेड नहीं है मेरी छत पर, तो बिल्कुल फुल सन में रहता है। सुबह की उगता सूरज और
डूबता सूरज तक इसको पूरी धूप मिलती है। तो इस तरह से ये प्लांट मेरा इस फुल सन नाइट में रहता है, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो देखिए इसमें जो है हमने ये गुड़ाई कर ली है हल्की हल्की, उसके बाद हम जो है इसमें ये वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट, देखिए मेरे पास तो किचन वेस्ट कंपोस्ट है फिलहाल, मैं वो डाल रही हूँ। देखिए किचन वेस्ट कंपोस्ट मैंने इसमें डाल दी है, इसमें मेरी सॉइल भी कम थी इसलिए मैंने इसमें कम से कम 5-6 मुट्ठी बोल लीजिए 5-6 मुट्ठी ही होगी, पूरा ट्रे भर के मैंने जो है इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट डाला है, क्योंकि मेरा ये 20-25 लीटर की बाल्टी है, इतना इसमें चल जाएगा। और इसकी जड़ें भी काफ़ी देखिए फाइबर रूट्स ऊपर ऊपर तक आ गई हैं, तो इसमें मिट्टी और डालना बहुत ज़रूरी था। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, देखिए ये 3 चम्मच के अकॉर्डिंग जो है बोन मील है, ये मैं इसमें मिलाऊँगी चारों तरफ अपने प्लांट के, ये हम अपना मिला देंगे, ये बोन मील मैंने मिला दी है, ये हमारे कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है और जो है प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आप इसमें कैल्शियम के लिए देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध बनाकर जैसे 1/2 गिलास दूध 2 लीटर पानी में मिलाकर इसमें डालेंगे तो वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है प्लांट के लिए, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस पर बनती है और फ्लावर्स जो है काफ़ी देर तक स्टे भी करते हैं, काफ़ी टाइम तक, वैसे भी इसमें जो है फ्लावर काफ़ी दिन तक स्टे करते हैं, एक गुच्छा जो है आपका काफ़ी दिन तक इसमें लगा रहता है फ्लावर्स का। और इसके बाद इसके प्लांट्स में और अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए आपको जो है NPK का स्प्रे करना चाहिए। देखिए 1 लीटर पानी में मैंने NPK लिया है, आप अगर इसमें नाइट्रोजन की तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें अभी इस टाइम फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए, तो आप अगर दूसरा 0-52-34 वाला NPK लेंगे तो उसका स्प्रे इस पर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी ये वाला बैलेंस NPK है, बैलेंस NPK मैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला लूँगी और उसके बाद इसको पानी में घोल कर इस तरह से हम इसमें स्प्रे करेंगे, तो इससे भी जो है हमारे प्लांट की जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छी बूस्ट होती है, फ्लावरिंग बूस्ट निकलती है और बहुत अच्छा इस पर इम्पेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छे फ्लावर्स हमें मिलते हैं। तो ये हमने NPK हम इस पर इस तरह से स्प्रे कर देंगे हर ब्रांच पे, हर फ्लावरिंग बंच पे, जहाँ पे भी फ्लावर्स निकल कर आ रहे हैं पूरे प्लांट पे हम NPK का स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हम इस पर ले पाएंगे। देखिए ये स्प्रे मैंने इस पर कर दिया है, हर फ्लावरिंग प्लांट पे आप NPK 90-90-19 या 0-52-34 का स्प्रे ज़रूर कीजिए अगर आप अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं। तो देखिए इस पर अच्छे फ्लावर्स लेने के लिए मैंने ये स्प्रे किया है, तो और इसके बाद जब भी आपके इसके फ्लावर्स पेंट हो जाएं तो आपने इसके क्या करना है, हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप जैसे जैसे इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे और इसमें नई ब्रांचेस बनेंगी और इसमें फ्लावर्स अच्छे निकल कर आएंगे, ये देखिए तो ये हो गया। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्लावर जो है फ्लावर्स का बंच ख़त्म हो गया है, यहाँ पे पूरा फ्लावर्स का बर्ड्स का बंच खिला हुआ था वो अभी हमारा ख़त्म हो गया है। तो इस टिप को आप आगे से इस तरह से कट कर दीजिए तो आपकी जो है यहाँ पे और नई ब्रांचेज आएंगी और नई लीव्स आएंगी और जो है आपका फ्लावर यहाँ पे और नए फ्लावर्स बनकर निकलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे भी है, इस टिप को आप कट कर देंगे ऊपर से तो यहाँ पे और नई फुटाव आएगा, ब्रांचेज निकलेंगी, एक या दो ब्रांचेज तो कम से कम इस पर निकलेंगी और इसके बाद जो है इसमें और नई फ्लावरिंग होगी। देखिए जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ से आपने इस टिप को कट कर देना है, कम से कम 2 लीव्स को लेते हुए आपने इसको कट करना है, तो इस तरह से आप इसमें और अच्छी ब्रांचेज लेकर नए फ्लावर्स इस पर ले सकते हैं। देखिए और आपको लगता है कि इसके फ्लावर ब्रांच कहीं आगे से डेड हो गई है, देखिए अगर आपको लगता है यहाँ से डेड है तो यहाँ से आप इसको आगे से थोड़ा सा कट कर देंगे, गिलहरी आई तो गिलहरी से मैं डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या आ गया। देखिए इस तरह से आप इसको कट कर देंगे तो और नई ब्रांचेस निकलेंगी तो और लंबी ये ब्रांच हो जाएगी और इसको हम आगे तक यहाँ से बांध सकेंगे। तो इस तरह से आप इसका केयर करेंगे, देखिए हर टिप पर देखिए नीचे लटक रही हैं, ये नीचे की तरफ लटक रही है, देखिए इस पर कितना अच्छा बंच निकल कर आया है, ये बर्ड्स निकल रहे हैं इस पर, तो इस तरह से आप इस पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपने इसमें वाटरिंग ज़रूर करनी है, अभी तो मैंने स्प्रे किया था, हमने फर्टिलाइज़र डाला है तो हम इसमें वाटरिंग ज़रूर करेंगे, वाटरिंग हमने कर दी है इस पर,
देखिए एक मग मैंने पानी डाल दिया है, अभी अब हम इसमें और वाटरिंग करेंगे। मैं सभी प्लांट्स को भी पानी देने वाली हूँ अपनी गार्डन में, तो इसको भी एक बार और दूंगी। तो अभी तो हमने कम पानी डाला है, तो आपने इसमें वाटरिंग इतनी करनी है कि इसकी जो सॉइल है थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए सॉइल के अंदर। बहुत ज़्यादा वाटरिंग इस पर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आप एक्सेस में इसमें वाटरिंग करेंगे तो इसकी लीव्स जो हैं येलो होकर गिरना शुरू कर देती हैं। और बहुत कम पानी भी नहीं देंगे कि यह प्लांट आपका सूखा रहे, इसकी जड़ें बहुत सूखी रहें। तो जड़ों में नमी बनी रहनी चाहिए, इतना वाटर आपने इसमें डालना है, सूखा नहीं रखना है इसको, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा सोगी भी नहीं करना है, सिर्फ प्लांट्स की नमी बनी रहनी चाहिए सॉइल में। और तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो देखिए इस तरह से आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। आप इसको इसी प्लांट को अगर आप बुशी बना के रखना चाहते हैं तो आप इसकी फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद आगे से इसके टिप को कट करते रहिए, जो भी ब्रांचेस डी शेप जा रही हैं उनको कट करते रहिए। तो यही प्लांट आपका बुशी बनता रहेगा, मतलब गमले में ही ग्रो करेगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, तो यही बुश की तरह आपका क्रिएट हो जाएगा, तो बेल नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से आप इसको भी बुशी प्लांट बना सकते हैं। अगर आपके पास बेल चढ़ाने की जगह नहीं है तो आप इसको बुश की तरह क्रिएट कीजिए, नहीं तो आप ड्वार्फ ब्लाइटी का मधुमालती लेकर आइए, उसको के आप लगाइए गमले में, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये मधुमालती के प्लांट पे छोटी सी मेरी केयर की वीडियो थी, आप भी इसी तरह से अपनी मधुमालती की केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।